सो है गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा आपके पूछे गए क्वेश्चन पर, जो कि है इग्नू में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, और उस पर हम बात करेंगे बैचलर और मास्टर लेवल दोनों की। सो गाइस, जल्दी से जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिना किसी लेट के मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो एक मेरी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है वो बता देता हूँ कि आपको कभी भी कोई इग्नू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या डाउट हो तो सिंपली आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई किसी भी आईडी पूछ सकते हो, मैं उसका सलूशन ज़रूर दूंगा। और बहुत अच्छा चीज़ होगा, तो आप मेरी हेल्प कर दोगे, मुझे एक नई प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा जिस पर मैं बहुत सारे और स्टूडेंट लोग की भी हेल्प कर सकता हूँ। सो गाइस, ये वीडियो को अभी स्टार्ट हो रहा है, सारे पॉइंट्स बिना स्किप किए बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, तभी आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे और अपने परसेंटेज और अपने मार्क्स को सही तरीके से जज कर पाओगे, और अपने ग्रेड कार्ड के भी जो जिनके नंबर्स नहीं आते, जिनको ग्रेड्स में नंबर मिलते हैं, आप उन सबको भी समझ पाओगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बैचलर की तरफ। तो बैचलर की तरफ जो हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहला जो है बैचलर में पासिंग होने के लिए आपको 35 नंबर चाहिए रहता है 100 में से, ठीक है। और अगर हम बात करें मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स की, तो उसका अलग है, तो उसके ऊपर भी हम बाद में बात करते हैं। तो अभी पहले हम बैचलर लेवल की बात करते हैं। बैचलर लेवल में दो तरीके की चीज़ होती है, एक 4 क्रेडिट की और एक 8 क्रेडिट की। तो 4 क्रेडिट के लिए जो होता है वो 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें 18 नंबर पासिंग होता है, और वही 8 नंबर के क्वेश्चन क्रेडिट में 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 35 नंबर पास होता है। नीचे कुछ दिए हुए एग्जाम्पल्स हैं, ये क्वेश्चन होते हैं 4 क्रेडिट और 8 क्रेडिट में। और एक और क्वेश्चन पेपर होता है जो कि होता है 25 नंबर का, जिसमें सिर्फ 2 क्रेडिट होता है, जिसका एग्जांपल दिया हुआ है नीचे, और जिसको पासिंग के लिए 9 मार्क्स चाहिए रहता है। ये हो सकता है सर्टिफिकेट कोर्स वाले के लिए हो, मुझे अभी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो अब आ जाता है मेरे को अपने मास्टर डिग्री की तरफ। मास्टर डिग्री में 50 नंबर में से 20 नंबर होते हैं पासिंग के लिए, जो कि होते हैं 4 क्रेडिट के लिए, और 100 नंबर में से 40 नंबर होता है पास होने के लिए 8 क्रेडिट या उससे अपर के क्रेडिट के कोर्स के लिए। सो गाइस, अब आते जाते हैं हम अपनी ग्रेड कार्ड की तरफ। तो ग्रेड कार्ड की तरफ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है, देख लीजिए आप, 80 और अबव के लिए ए है, 60 से 79 के लिए बी है, 50 to 59 के लिए सी है, डी के लिए है 40 to 49, और ई के लिए है 33 से 39, और एफ हो गया टाटा बाय बाय। सो गाइस, मैं आपको हर बार की तरह यही बोलूँगा कि अगर आप लोग अपनी असाइनमेंट बनाते हैं तो हमेशा बहुत अच्छे से बनाएं, क्योंकि अगर 35 नंबर से नीचे आ गया तब तो आपको असाइनमेंट देनी पड़ेगी, लेकिन अगर 35 से 36 आ गया तो आप दोबारा असाइनमेंट देके आप अपनी चीज़ों को कवर अप नहीं कर पाओगे, तो आपका 36 में से या 40 नंबर में से भी सिर्फ 13 नंबर ही आपको आपके मेन रिजल्ट में मिलेगा। सो कोशिश करो अच्छे से अच्छा असाइनमेंट बनाओ, उसमें फिगर्स बनाओ, उसमें चित्र बनाओ, उसमें ग्राफ बनाओ, इमेजेस बनाओ, बस इतने ही। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, जिससे बहुत सारे और लोग को भी हेल्प हो। सो गाइस, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।